हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल तो आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कोपा और एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल के जो पेपर्स हैं वो जो कि बच्चों ने अपना फीडबैक शेयर किया है, तो आप लोग भी अपना शेयर करना चाहते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ओल्ड और न्यू दोनों याद कर लेना, क्वेश्चन दोनों जगह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार बैठ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। को क्वेश्चन हमारा दो फर्स्ट जो आया था, WWW का मतलब क्या, यानी फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यहाँ आपको बताना था कि वर्ल्ड वाइड वेब होगा या फिर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड होगा। ऑप्शन सी हमारा दिया हु वाइड वर्ल्ड होगा, ऑप्शन डी हमारा दिया गया हु वाइड वेब होगा। तो आपको सही आंसर कमेंट करना, तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि दोस्तों जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम है तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लेना। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से इनको ज़रूर याद कर लेना। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है WWW का, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट हो रहा है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर किस प्रकार के यांत्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक या विद्युतीय, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिएगा जल्दी से, जितने भी साथी वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इंटरनेट चलाने में किया जाता है, किसका करेंगे, ब्राउज़र का या स्प्रेडशीट का या क्लिपबोर्ड का नोटपैड का। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर, जितने भी साथी वीडियो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्राउज़र जो होता है दोस्तों इसका हम प्रयोग इंटरनेट चलाने में करते हैं, किसका, ब्राउज़र का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एक सहायक मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, द्वितीयक स्टोरेज है, रजिस्टर है या प्राथमिक मेमोरी है, रैम है। तो बताइए इसका राइट आंसर, कमेंट करिएगा, सहायक मेमोरी बताया पूछा गया। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा हमारा जल्दी से कमेंट करें, सी इज़ राइट आंसर, यानी कि प्राथमिक मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, कौन सा कार्य करें, देखिए प्रक्रिया प्रबंधन दिया गया, डिवाइस प्रबंधन दिया गया, इनपुट आउटपुट प्रबंधन दिया गया या दिए गए सभी होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, मतलब दिए गए सभी, प्रक्रिया प्रबंधन भी होगा, डिवाइस प्रबंधन भी होगा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी करके आया करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो को शेयर कर देना अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ISP की फुल फॉर्म पूछा गया था, दोस्तों जितने भी कंप्यूटर में फुल फॉर्म हुई शॉर्टकट की हुई उनको अच्छे से ज़रूर याद कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है। तो जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन ए हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ऑप्शन बी हमारा इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर होगा, ऑप्शन सी हमारा इंटर सर्विस प्रोवाइडर होगा, ऑप्शन डी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे ISP का फुल फॉर्म जल्दी से बताएं, आपके पास पर्याप्त समय है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आई का मतलब होता है इंटरनेट, एस का मतलब होता है सर्विस, पी का मतलब प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया CPU का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसमें बताना था आपको CPU का फुल फॉर्म, ये तो सभी को याद होना था, तो जल्दी से कमेंट करिए कि कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यहाँ दिया गया, प्रोसेस दिया गया, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, यूनिट दिया गया, ऑप्शन डी हमारा सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट दिया गया। तो इसमें से सही आपको बताना CPU का फुल फॉर्म, तो कमेंट करिएगा जल्दी से इसका राइट आंसर।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में बहुत रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या ई कॉमर्स की विशेषता, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग या सभी। बताइए इसका राइट आंसर, कमेंट करिएगा सभी, आपके पास पर्याप्त समय है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप लोग जितना हो सकेगा अपना आंसर को कमेंट किया जाएगा, गलती हो जाएगी तो आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है दिए गए सभी, मतलब क्या वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और वेयर हाउसिंग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो किसको, माइक्रोसॉफ्ट कहेंगे, नेविगेटर कहेंगे या फिर लाइव वायर कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे, तो बताइए इसका राइट आंसर, कमेंट करिएगा जल्दी से, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, चार ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, मतलब नेविगेटर जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को निष्पादित करने को क्या बोलेंगे। देखो मल्टी टास्किंग बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट बोलेंगे, मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे, बताएं इसका राइट आंसर, सभी साथी कमेंट करेंगे तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है, मल्टीटास्किंग, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को निष्पादित करना ही क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन में पूछा गया एमएस एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है, जो एमएस एक्सेल रहता है आपने देखा होगा, जो फार्मूला अगर लगाना है तो कहां से शुरू होता है। देखिए ऑप्शन ए बराबर दिया गया, प्रतिशत दिया गया और हमारा ये और प्लस दिया गया, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर बात करें एमएस एक्सेल की, सबसे बड़ी बात है जो फार्मूला शुरू होता है वो हमेशा इक्वल से शुरू होता है। ठीक है, बाकी यहाँ से इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है कि प्लेंदा ब्लेंस की पूर्ति हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बचत निवेश और खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, कौन करेगा। देखो मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट या इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर सभी साथी जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मनी मैनेजमेंट, धन मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी करके आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जीडीपी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ऑप्शन ए हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया, ऑप्शन बी है गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया, ऑप्शन सी हमारा ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी जी का मतलब होता है ग्रॉस और डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया गया है कि कार फिल इन द ब्लैंक्स के साथ अधिक कुशल हो सकता है, किसके साथ, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी है, अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट नंबर करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या टीम वर्क और सहयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन में दिया था कि कौन सा शॉर्टकट संयोजन एक्सेल सीट को प्रिंट करता है, तो कौन करिए, देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया, अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कंट्रोल पी करके आया होगा, कंट्रोल प्लस पी से दबाने से क्या होता है, शॉर्टकट जो भी है एक्सेल शीट को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स एमएस वर्ड फाइलों को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा होगा, देखिए इसमें दिया गया डी सी दिया, डॉट डी ई सी दिया गया, डॉट डी ओ सी एक्स दिया गया, तो डॉट एम एस डॉक दिया गया, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट करिएगा सही आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ राइट आंसर, डॉक एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया प्रभावी संचार की पहचान कैसे करेंगे। देखिए भाव दिया, आवाज़ की लहजा, शरीर की भाषा या ऊपर के सभी, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी किसी भी शिफ्ट में देखा जा सकता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, यानी क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर के सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया सही क्रिया शब्द से पूरा वाक्य कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया द कप फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन आएगा ये आपको बताना होगा। तो कमेंट करिएगा कौन सा आएगा, द कप क्या हुआ, वेल ऑफ द टेबल, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रोक मतलब टूट गया। ठीक है, कप क्या हुआ, टूट गया जब वह टेबल से गिर गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि 1 और 2 सितंबर में क्वेश्चन पूछे गए, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अच्छे से देखा होगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के जाएँ। तो वीडियो लग करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।